नमस्कार भाभी जी, और भाई मुबारक हो अरुणा। भाई अरुणा यार टाइम देख यार, ये कोई बात हुई, ये जारी हुई? अरे कम से कम आज के दिन ट्यूशन छोड़ देता। ट्यूशन आज कौन किया यार, तेरी बेटी के लिए गिफ्ट लेने गए, तेरी भाभी को भी पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाग्यवान जल्दी कर ले वरना मेरा यार नाराज हो जाएगा। सच कह रहा ना यार, एक बात बता, इतनी शानदार पार्टी, ये सब ट्यूशन का कमाल है ना? अबे आज तो बोल, वरना एक साधारण सा टीचर और ये थर्ड वार्ड इम्पॉसिबल। साधारण यानी कि शंकरलाल आदर्शवादी, वेरी नाइस। उसे बुलाया नहीं? बुलाया। हाँ हाँ यार आता ही होगा। अच्छा चलो भाई हम तैयार हो गए। पापा आप और मम्मी ये जाइए, हमें शर्म आती है, और फिर कोई अच्छी गिफ्ट भी तो नहीं लाए आप, बस ये फूलों का गुलदस्ता ही तो देना है। बेटे फूलों से अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है, ये फूल तो प्यार के दूत हैं। हमें अपने इन कपड़ों पर भी शर्म आती है पापा। बेटे शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो कीमती कपड़े पहनकर भी जमीर से नंगे हैं। अब रहने भी दीजिए भाषण, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, अब नहीं है उनका। अब किस बात की देरी है भाई? यार बहुत देर हो गई, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है केक कटवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सोनू। वेरी गुड। आदर्शवादी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। साइकिल से आए होंगे? मैं अपनी गाड़ी भिजवा देता। नहीं नहीं वो बात नहीं है सोहनलाल जी। शंकरलाल जी बात जरा सी, हम और आप एक ही जगह पर नौकरी करते हैं, हम लोगों से रसूख रखते हैं और उसे कैश करते हैं और उसके बाद मिलकर ऐश करते हैं। शंकरलाल भाई मैं तो यही कहूंगा कि इस रफ्तार के साथ आप अपने आप को बदल डाले। अच्छा ये बताइए कि ट्यूशंस करने में खराबी क्या है? अब भाई इससे बल्कि आपके घर की जो आर्थिक हालत है वो सुधरेगी। पर मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा नहीं तो छोटे बहुत व्यापारी बनो, व्यापार करो व्यापार। ये हकीकत है नहीं कोई अफसाना, ये हकीकत है नहीं कोई अफसाना, ये शिक्षा है ज्ञान का खजाना, हकीकत है नहीं कोई अफसाना, कि शिक्षा है ज्ञान का खजाना, ये हकीकत है। इसीलिए शिक्षा से ही, इसीलिए शिक्षा से ही जीवन को हमें सजाना, ये हकीकत है। व्यापार नहीं है बनाना, ये ज्ञान का है खजाना, भार हमारे कांधों पर है कल के भारत का। बांटने से कम नहीं होता है ज्ञान का ये खजाना, ये हकीकत है। संकल्प ये हम करते हैं व्यापार नहीं बना।
रहेंगे बच्चों के भविष्य के हम ही है विधाता। अपनी जिम्मेदारियों को खुद हमको है समझना, ये हकीकत है नहीं कोई अफसाना, कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना, ये हकीकत है। ये लो जी चाय पी लो और उठकर नहा भी लो, आपको बस्ती के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने भी जाना है। ये कॉपियां कहीं भागी नहीं जा रही, उठकर नहा लो और ये कुर्ता उतार कर मुझे दे दो, मैं सिल देती हूँ, वरना आप तो इस फटे कुर्ते में उठकर चल देंगे। अरे भगवान, ये कुर्ता तो जरा सा बटा हुआ है। हमारे देश के लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास तनख्वाह अपने को ये भी नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे ही आदर्शवादी बने रहे ना, एक दिन इस परिवार के लोगों को भी उन 40 करोड़ लोगों में जाकर शामिल होना पड़ेगा, फिर ना तन पर कुछ रहेगा और ना ही पेट में। मैं पूछती हूँ, आपने ठेका ले रखा है, 6-6 घंटे स्कूल में पढ़ाओ, घर आकर 4-5 घंटे कॉपियां जांचो और सुबह मुफ्त में उन बस्ती के बच्चों को पढ़ाओ। हाँ, ये सब करना अध्यापक का कर्तव्य है और परम दायित्व भी। हाँ, ये कर्तव्य ये दायित्व तुम पर ही लागू क्यों होता है, औरों पर क्यों नहीं होता? मैं पूछती हूँ, कुछ ट्यूशन क्यों नहीं करते, कुछ पैसा कमाओ, कुछ। बस करो भगवान, बस करो, ऐसी कमाई की अपेक्षा में मर जाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। कांटा नहीं है बेटा, तुम्हारी परीक्षा है कि तुम दुखों को कहां तक सह सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, दुखों की अग्नि इंसान के धैर्य की परीक्षा के लिए वो भट्टी है जिसमें तपकर इंसान कुंदन बन जाता है। शंकर बेटा, तू भी कभी दुखों से घबराकर सच्चाई का दामन मत छोड़ना। मैं वचन देता हूँ पिताजी, मैं हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। शंकरलाल, शंकरलाल, शंकरलाल। भूल गए, शिक्षक एक धैर्य और संतोष का दूसरा नाम है। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। शिक्षा को व्यापार बनाकर इस दान को कलंकित करने वाला जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता, क्योंकि पाप के बीच से केवल दुख और कपट ही उपजते हैं, जिसका अंत सिर्फ पश्चाताप होता है। तुम शिक्षा दान के अपने आदर्श मार्ग पर निथक निरंतर आगे बढ़ते चलो शंकरलाल, विजय तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी, तुम्हारी।
तुम्हारी तुम्हारी। बस रहने दे बेटा, बहुत हो गया, थक गया होगा तू भी। नहीं पिताजी, आपकी सेवा करते हुए तो मैं उम्र भर नहीं थकूंगा। जानता हूं, स्वभाव से एकदम निडर है तू भी, एकदम कर्मठ, एकदम सच्चा। पिताजी, ये सब मैंने आप ही से सीखा है। अब तू अध्यापक बन गया है बेटा, मेरी एक बात याद रखना, शिक्षा व्यवसाय नहीं है बेटा, महायज्ञ है, महादान है। चंद भौतिक सुखों और ऐशो आराम के लालच में शिक्षा को कभी बेचना मत बेटा, वरना शिक्षा के इस महायज्ञ की पूर्णाहुति में तुम्हारा सब सुख और चैन चला जाएगा बेटा, और सिर्फ पछतावा रह जाएगा। पिताजी, आज आपके सामने संकल्प लेता हूं कि मैं कभी शिक्षा को व्यापार नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। पानी निकाल दिया है, नहा लो। रमा, तो भगवान पर भरोसा रखो, वो सच्चाई की कठोर परीक्षा जरूर लेता है, मगर उसका आशीर्वाद हमेशा सच को ही मिलता है। हर ट्यूशन के चंद रुपयों के लालच में अपनी आत्मा को बेच देना आत्महत्या से भी बदतर होता है रमा। हाँ, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मैं चलकर नहा लेता हूँ। मुझे बस्ती में जाना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो मेरी राह देख रहे होंगे। चलो। नमस्कार। लगता है कि बस्ती के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा के आ रहे हैं, क्यों? हाँ भाई, तुम सुनाओ, क्या ट्यूशंस करके लौट रहे हो? हाँ भाई, भाई अपना तो एक ही असूल है, रकम मोटी हो और आसामी तगड़ी हो तो फिर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने में हर्जी क्या है, शिक्षा का दान भी हो जाता है और अपना महाकल्याण भी। वाह, वो सेठ ब्रिज बिहारी का नाम तो सुना होगा, करोड़ोपति पार्टी है, करोड़ोपति, बस उसी के लड़के को पढ़ा कर आ रहा हूँ। सोहनलाल जी, एक बात बताइए। हाँ हाँ, पूछिए। ट्यूशनों की इन मोटी कमाई से आप सुखी तो हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐश है ऐश। ठीक है, चलता हूँ, कहिए तो छोड़ दूंगा। मेरे दोस्त, ट्यूशन की कमाई का यही दोष है कि ये चंद भौतिक सुखों का साजो सामान तो खरीद सकती है, पर बदले में दिन का चैन और रातों का सुख दोनों छीन लेती है। हाँ।
हेलो सर, ठीक है सर, राइट सर, ठीक है सर, मैं अभी पहुंच रहा हूं। ओके सर। सुनो, मास्टर सोहन लाल को बुला लो। सर, 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 कौन है? है? चुप। क्या? सर आपको किसने सर बुलाया सर आपको? प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। जी सर। ठीक है, अभी आता हूँ। अच्छी भली नींद खराब करके रख दी। चुप। देखो, मैं प्रिंसिपल साहब के पास जा रहा हूँ। तुम लोग चुपचाप अपना पाठ याद करो। और हाँ, शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना मार मार के खाल नीली कर दूंगा। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ सोहनलाल जी, जी। मैं जरा डायरेक्टर जा रहा हूँ, एक मीटिंग है। ओके सर। मीटिंग में शायद देरी हो जाए, आप स्कूल की छुट्टी के बाद ऑफिस बंद करा के चाबियां मेरे घर दे दीजिएगा। बहुत अच्छा सर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जी सर। और कुछ? नहीं सर, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे कर, अरोड़ा साहब को यहीं बुला ला, उनसे कहना कि प्रिंसिपल साहब मीटिंग में गए हैं और वो ही इधर ही ऑफिस में आ जाए। मैंने बुलाया है। ठीक है। अरे 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 सुन, आते समय दो चाय और खिचोड़ी लेता है, और खिचोड़ी ना मिले तो आलू के पकोड़े। जीवन में सही मार्ग है निस्वार्थ भाव से हम अपने देश और देशवासियों की सोचें, हम अपने निजी हितों और स्वार्थों से ऊपर उठें और केवल अपना फायदा सोचने के बजाय संपूर्ण मानव जाति के उत्थान की सोचें। यही हमारी संपूर्ण नैतिकता है और यही। वाह, क्या भाषण दिया शंकरलाल जी, लेकिन इतने भारी भरकम शब्द, इन बच्चों के समझ में आते भी होंगे या? आई डाउट। खैर छोड़िए, प्रिंसिपल साहब डायरेक्टर ऑफिस में गए हुए हैं, वहाँ जरूरी मीटिंग है। आइए कमरे में जाके कुछ गपशप करते हैं। अच्छा हो गया आपकी सुने हुए, सोहन लाल जी भी वहाँ बैठे हुए हैं। अरोड़ा साहब आप जाइए, मुझे इन बच्चों के साथ रहने दीजिए प्लीज। आपकी मर्जी, एज यू विश। हाँ तो बच्चों, हमें नैतिक मूल्यों के साथ साथ वक्त की कीमत भी समझनी चाहिए। अरे भाई शंकरलाल जी, इस पुरानी छकड़ा साइकिल पर कब तक शिक्षा का बोझ होते रहोगे? मेरी मानो, स्कूटर ना सही, मोपेड तो ले लो। अरोड़ा साहब, मेरे लिए यही ठीक है। हाँ ठीक तो होगी भी, वैसे भी अकेली तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा कहाँ होता होगा। भैया जी मेरी बात सुनो, कुछ ट्यूशन व्यूशन कर लो, स्कूटर भी आ जाएगा और लाइफ का स्टेटस भी हाई हो जाएगा। पापा, पापा मेरा रिजल्ट आ गया। हाँ? मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह मेरी बेटी, तूने तो मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। तुम लोगों की क्लासेस के रिजल्ट इस बार लगभग जीरो हैं। तुम लोग ट्यूशन पढ़ाने में इतना व्यस्त रहे
कि स्कूल में पढ़ाने का वक्त ही नहीं मिला। मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? अरे शंकरलाल जी आइए आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर तुम लोगों में शर्म का एक अंश भी बाकी बचा हो तो शंकरलाल जी से कुछ सीख लो। इनकी मेहनत और लगन से इनकी क्लास का रिजल्ट शत प्रतिशत रहा है। रिकमेंडेशन कमेटी ने इनकी हर साल की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के लिए बेस्ट टीचर के अवार्ड के लिए इनका नाम की सिफारिश भी की है। और एक तरफ तुम दोनों हो, काम चोर निकम्मे कहीं के। हेलो। हाँ जी हैं जी, फोन है तुम्हारा। हेलो। हाँ क्या हुआ? क्या सीरियस है क्या? कहाँ है? हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। क्या हुआ? सर मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरे लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या? जी हाँ, दरअसल वो दूसरी बार फेल हुआ। सोनलाल जी, ट्यूशनों के चक्कर में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा, लेकिन अब तो वो गया ना। सर मैं चलता। हाँ ठीक है, आप जाइए। सर क्या मैं इनके साथ जाऊँ? हाँ हाँ प्लीज टेक केयर। थैंक यू सर। अंधी कमाई आदमी की सोच और समझ को भी अंधा कर देती है प्रिंसिपल साहब। ये दायित्व सब आप पर ही लागू क्यों होता है, औरों पर क्यों नहीं होता? अरे भैया जी, अकेली तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा कहाँ होता होगा? इनकी मेहनत और लगन से इनकी क्लास का रिजल्ट शत प्रतिशत रहा है। मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ और पूरी यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन है मेरी, यानी कि टॉप। शंकरलाल, आखिर जीत तुम्हारी ही हुई ना, अब उससे भी बड़ी जीत तुम्हारी राह देख रही है। जिन बच्चों को तुमने शिक्षा और आदर्श दिए थे, वो एक दिन भारतवर्ष का नाम सारे विश्व में ऊंचा करेंगे और तब शान से कहेंगे शंकरलाल जैसे महान आदर्श गुरु को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? अरे शंकरलाल जी आइए 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 आइए, बैठिए। धन्यवाद। शंकरलाल जी, आज आपके आदर्शों, आपकी ईमानदारी और सच्चाई की जीत हुई है। जी मैं कुछ समझा नहीं। आपकी प्रमोशन हो गई है, आप प्रिंसिपल हो गए हैं। जी जी हाँ, और यह तरक्की आपको आपकी मेहनत और रिजल्ट्स के आधार पर दी गई है। अचीवमेंट जी। और दूसरी सिर्फ यह खुशखबरी ही नहीं, हमारे स्कूल के लिए भी गौरव की बात है, आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जा रहा है। मुझे आप पर गर्व है शंकरलाल जी, आपके कारण हमारे स्कूल का ही नहीं पूरी शिक्षक कौम का गौरव बढ़ा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे अपने जैसा बनने का आशीर्वाद दीजिए। शिक्षा के इस महादान के महायज्ञ से तुम एक कर्मठ तपस्वी बनकर निकलो, ये मेरा आशीर्वाद। और हाँ, कभी भी चंद भौतिक सुखों और ऐशो आराम के लालच में शिक्षा को व्यापार मत बनाना। मैं संकल्प लेता हूँ। संकल्प ये हम करते हैं, व्यापार नहीं बनाएंगे, बच्चों के भविष्य के हम ही हैं विधाता। अपनी जिम्मेदारियों को खुद हमको है समझना, ये हकीकत है नहीं कोई अफसाना, कि शिक्षा है ज्ञान का खजाना, ये हकीकत है इसीलिए शिक्षा से ही, इसीलिए शिक्षा से ही जीवन को हमें सजाना, ये हकीकत है। व्यापार नहीं है बनाना, ये ज्ञान का है खजाना, भार हमारे कांधों पर है कल के भारत का। बांटने से कम नहीं होता है ज्ञान का ये खजाना, ये हकीकत है। संकल्प ये हम करते हैं, व्यापार नहीं बनाएंगे, बच्चों के भविष्य के।